अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ लॉ। तो टॉपिक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है जी। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है एक होलो चार्ज स्फीयर के सेंटर पे या उसके इनसाइड, नॉट आउटसाइड। ठीक है जी। कंसीडर अ होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है जी। ऑन द सरफेस ऑफ होलो चार्ज स्फीयर अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइल इनसाइड द स्फीयर द चार्ज इज ज़ीरो। ठीक है, होलो चार्ज स्फीयर है तो इट्स मीन आपने देखा ना गिटार जैसे होता है तो अंदर से क्या होता है वो होलो खोखला। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आउटसाइड चार्ज मौजूद है। तो हमने कैलकुलेट करना इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। तो इट्स मीन के यहाँ पर चार्ज कितना है, ज़ीरो। चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, ज़ीरो। ठीक है जी। तो अब गॉज़ लॉ के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में चार स्टेप्स बताए थे, ऐसे ही है। कौन कौन से थे, शाबाश। यस, पहला हमारे पास कौन सा था कि ड्रॉ अ गॉज़ियन सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ गॉज़ियन सरफेस इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्राइम। ठीक है जी। स्फीयर का रेडियस आर है, गॉज़ियन सरफेस का रेडियस कितना है, आर प्राइम। कंडीशन क्या है, आर ज़्यादा हो आर प्राइम से या आर प्राइम कम हो किस से, आर से। ठीक है जी। तो ये मैंने एक, ठीक है जी, इन साइड द सरफेस गॉज़ियन स्फीयर जो है वो ले लिया। सेकेंड स्टेप था कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अभी मैंने बताया कि सरफेस के इन साइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है तो स्टूडेंट क्यू क्या होगा, ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये लेट से जी हमारी क्या इक्वेशन वन। थर्ड स्टेप था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब ये हमारे पास एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉज ऑफ थीटा। यही हमने पढ़ा ना। लेट से जी ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है। लास्ट स्टेप जो था, फोर्थ स्टेप, वो क्या था, अप्लाई गॉज़ लॉ। गॉज़ लॉ को स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। क्या थी जी गॉज़ लॉ, गॉज़ लॉ थी फाई टी इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज लेट से यहाँ पर क्यू है तो मैं इधर क्या प्लेस कर रहा हूँ, क्यू। ठीक है जी। वन बाय वन वैल्यू उसको क्या करते हैं, पुट। लेट से ये आपकी क्या इक्वेशन नंबर थ्री, पुट। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ वन एंड टू इन थ्री। ठीक है जी। तो वैल्यू इसको पुट करते हैं, देखें पहले जो है वैल्यू चार्ज ही ज़ीरो है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें पता है ई ए कॉस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है ई ए कॉस थीटा क्या होना चाहिए जी, ज़ीरो। या सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई डॉट ए क्या हो, ज़ीरो। ठीक है जी। अ स्टूडेंट ये एक स्फेयर है, ठीक है जी, इट्स मीन इसका एरिया, एरिया ऑफ स्फेयर होता है फोर पाई आर स्केयर। इसका मतलब है कि इसका एरिया जो है वो तो कभी भी ज़ीरो, एरिया कैन नेवर बी ज़ीरो, एरिया कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या चीज़ ज़ीरो होगी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इनसाइड वो क्या होगी, ज़ीरो। तो याद रखना इनसाइड अ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स ज़ीरो। ठीक है जी। जहाँ पे भी हमने शील्डिंग करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पर हम ये जो है एप्लीकेशन गॉज़ लॉ की वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है 12.7 के, इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। यस, ई क्या होता है जी, चार्ज रबर बैलून है, उसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, तो ई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है गॉज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।